जिंदगी में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्या पता कल आगे के दो दांत हो ना हो। भैया पहले लोग बाबू सोना जादू टोना करके मरते थे, प्यार मोहब्बत के चक्कर में मरते थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मरते थे, लेकिन अब मरने की एक नई वजह आ चुकी है, पबजी। लोग पबजी खेलते खेलते जान दे रहे हैं और इसी पर हमने पबजी वालों के लिए कुछ लिखा है। इरशाद फरमाइए कि जो पबजी पर हावी होगा, वाह 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 वाह, अब भी करो, कि जो पबजी पर हावी होगा वो पबजी में मौज करेगा और जिस पर पबजी हावी होगा वो बेमौत मरेगा। अरे एक लाइक, साफ शब्दों में यू कहे तो हद में रहे, पबजी से आप खेले, ऐसा ना हो कि पबजी आपकी जिंदगी के साथ में खेल के चला जाए और सारे चीजों की ऐसी तैसी कर जाए। दरअसल बात है आंध्र प्रदेश के एक गांव की, जहां पर एक 16 साल के लड़के की पबजी खेलते खेलते मौत हो जाती है। आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद है और इसी कारण यह भी घर पे रह रहा था और इसी दौरान इसको पबजी की लत लग जाती है और इतनी जबरदस्त लत लगती है इसको, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन इतनी जबरदस्त लत लगी इसको कि लत की वजह से और पबजी खेलने की वजह से इसने खाना पीना तक छोड़ दिया। और रिपोर्ट के मुताबिक तो यह भी बताया जाता है रिपोर्ट में कि इसने कई दिनों तक पानी तक नहीं पिया पबजी खेलने के चक्कर में, और खाना पीना बंद होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और अस्पताल में ही उसकी मौत हो जाती है। और ये कोई नया केस नहीं है कि पबजी के रिगार्डिंग इस तरीके के केस आ रहे हैं, काफी सारे केस निकल के आए हैं पबजी के रिगार्डिंग, किसी ने अपने बाप का सर काट दिया पबजी ना खेलने देने की वजह से, काफी सारे केसेस आए। हाल ही में हमारे एक रिश्तेदार में, ही दूर के रिश्तेदार में एक ऐसा केस आया जिसकी वजह से पबजी, मतलब बताया ये जा रहा था कि 18 घंटे वो पबजी में टाइम देता था जिसकी वजह से उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया था और ले जाके उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हालांकि ऊपर वाले का करम है कि अभी वो जिंदा है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में है या फिर घर लाया गया इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इन सभी चीजों से हमें सीखने को यही चीज मिलती है कि अपने ऊपर किसी भी चीज को हावी नहीं होने देना चाहिए, जहां तक कोशिश करें कि आप किसी और चीज के ऊपर हावी हो बल्कि अपने ऊपर किसी भी चीज को हावी ना होने दे, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई चीज हावी हो जाएगा तो आप खुद के कंट्रोल में नहीं रहेंगे और आपको उस चीज की जब लत लग जाएगी ना, तो लत एक बहुत बुरी चीज होती है, चाहे वो पबजी का हो या फिर किसी और चीज का हो। आत्महत्या करने पर लोग मजबूर हो जाते हैं और काफी सारे लोगों की तो दिमागी हालत से ही मौत हो जाती है, तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है। इसीलिए पबजी जो लोग भी खेलते हैं थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाते हैं, मैं भी खेलता था कुछ टाइम पहले, रात के 2-2, 3-3 बजे तक मैं पबजी खेलता था, काफी चिड़चिड़ापन हो जाता है, घर वालों की बातें ना मानना, काफी सारी चीजें हो जाती है, काम के ऊपर सही फोकस ना करना, तो काफी सारी चीजें जो है निकल के आती है। इसलिए बस सीखने को यही चीज मिलता है कि अपने ऊपर कभी भी किसी चीज को हावी नहीं होने देना चाहिए। तो बस यह थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं।